हे फैमिली, वेलकम बैक अगेन। तो पता है, कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो ना थोड़ा अतरंगी टाइप की होती है, और कुछ कहानी और कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो बहुत ख़तरनाक होते हैं, जिनका दी एंड कभी नहीं होता। यह कहानी आज मेरे ही एक सब्सक्राइबर की है जो कि हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। 2016 की है ये कहानी, और सबसे शॉकिंग न्यूज़ और सबसे सरप्राइजिंग न्यूज़ ये है कि 2016 में मैं खुद हैदराबाद में था। 2013 टेंथ कम्प्लीट करने के बाद मैं हैदराबाद शिफ्ट हो गया था। और ये कहानी जिनकी है, ये खुद की उनकी नहीं है बल्कि उनके कज़न की है, जो कि उन्होंने मुझे शेयर किया। एंड व्हेन आई वाज रीडिंग दैट स्टोरी, और जब हम दोनों का कन्वर्सेशन चल रहा था, मुझे ना एक काइंड ऑफ मतलब लाइक एक होता ना देजा वो कि अबे यार ये कहानी कहीं सुनी सुनी सी लगती है। तो जब सब कुछ मतलब लाइक चल रहा था एकदम, जब हम लोग एंड पॉइंट पे आए, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मैं ये कहानी सुन चुका हूँ, नॉट वंस मोर देन 10-15 टाइम्स, अलग अलग जगहों से सुनी है ये कहानी। तो बेसिकली ये कहानी है हैदराबाद की। मैं जहाँ पे रहता था वो जगह ही गच्छी बोली है, लेकिन ये कहानी है ECL, जो कि हमारा वो एग्जैक्टली वो लिंगमपल्ली साइड का है। 2016 की ये स्टोरी है। वो दोनों वहीं पर रहते थे बिकॉज वहाँ पर उनका क्वार्टर था, तो वहाँ पे वो लोग रहते थे। ये कहानी है राकेश और उसके कज़न स्वार्थ की। तो स्वार्थ जो है वो एक ऐसा बंदा है कि लाइक स्टड वाला बंदा है। मैं 2016 में आई थिंक मेरा डिग्री स्टार्ट हो गया था मेरा, एंड वो लोग इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे। दे आर 18-19 ईयर्स ओल्ड। तो ऐसा था उनका कि स्वार्थ जो बंदा था वो थोड़ा स्टड टाइप का था। वो किसी से डरता नहीं था, थोड़ा मतलब लाइक सबसे फ्लर्ट करता रहता था, और ये फ्लर्ट के चक्कर में ही उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। हालांकि अभी ठीक ठाक है, बट नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग जो उसके साथ अभी हो रहा है, या फिर वो अभी जिस कंडीशन में है वो मैं खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो राकेश का कहना ये है, जब एक टाइम था 2016, इंटरमीडिएट की कहानी थी, मतलब लाइक फर्स्ट ईयर उनका इंटरमीडिएट था, वो उसी जगह पर ही पढ़ते थे जहाँ पर मैं पढ़ता था। लेकिन ऐसा है कि हमारा टाइम पे 2014 के टाइम पे हमारा जो श्री चैतन्य कॉलेज है वो लिंगमपल्ली चंदानगर में था, लेकिन हमारे पास आउट होने के बाद वो कॉलेज शिफ्ट हो गया थोड़ा दूर। तो ये बात है कि फिर उन कन्वर्सेशन चल रहा था मेरा और उसका कि भैया ऐसा है वैसा है, बोले अबे यार मैं तुम्हारा सुपर सीनियर रह चुका हूँ, मैं उसी कॉलेज से पास आउट हूँ, एंड आई एम फ्रॉम SLM, लाइक हमारा एक रहता है एक पूरा BTEC वाला सेक्शन रहता है और एक साइंस वाला रहता है जिसमें मैथ्स नहीं होता, बिकॉज मैं बहुत मैथ्स में बहुत महान हूँ, मैं बिकॉज ऑफ दैट मैंने मैथ्स नहीं लिया था। तो कहानी ये है कि वो दोनों और उनके कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड, जिसमें लड़कियाँ भी इंक्लूड थी, तो उन्होंने एक अनंतगिरी हिल्स है जहाँ पे मैं भी हिल ट्रैक कर चुका हूँ, उसी साइड का एक इलाका है जो कि मैंने सुना था कि हाँ ये जगह काइंड ऑफ स्पूकी है व्हेन आई बिकेम अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। तो उन्होंने उस टाइम पे एक रोड ट्रिप करने को सोचा जो कि आई थिंक हैदराबाद से 40 किलोमीटर्स दूर है। तो कहानी यह है, स्टोरी यह है कि राकेश स्वार्थ और उसके कुछ फ्रेंड्स, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, उन्होंने वहाँ पे मेंशन भी किया है, वहाँ से आई थिंक ये चार बंदे थे एंड देर आर 3 गर्ल्स, तो ठीक है। तो ये लोग उसी ECL कैंपस के रहने वाले थे, तो उनका जो फैमिली रहता है ना, कॉलिग्स वगैरह, उनके मम्मी पापा कॉलिग्स वगैरह उन्हीं के ही जान पहचान के थे, एंड वो लोग अनंतगिरी हिल्स विजिट करना प्लान करते हैं। और प्लान ऐसा है कि भाई इनका रहता है कि हम लोग जाएंगे वहाँ पे 2 दिन कैंप करेंगे, थोड़ा ट्रैक वगैरह करेंगे। ऑल दो अनंतगिरी हिल्स इज़ गुड फॉर ट्रैकिंग, लेकिन हाँ अगर आप डीप फॉरेस्ट पे जाते हैं तो आपको डेफिनेटली फॉरेस्ट गार्ड जो ऑफिसर्स रहते हैं उनका परमिशन लेना पूरा ज़रूरी है, नहीं तो आपको अरेस्ट कर लेंगे वो लोग। तो वो एक नॉन बेल अरेस्ट रहता है, आपको 1 or 2 months जेल पे बिताना पड़ेगा, सो इट इज़ वेरी बैड फॉर योर करियर। तो वो लोग लेते हैं एंड वो बोलते हैं कि जो ट्रैकिंग वाला इलाका है वहीं पे हम करेंगे। लेकिन स्वार्थ स्टड बंदा है, वो किसी से डरता है नहीं, भूत प्रेत बिलीव है नहीं उसको। लेकिन एक बात बताऊँ आप सबको, अगर इस दुनिया में अच्छाई है, इफ देयर इज गुड थिंग देन डेफिनेटली देयर इज अ बैड और एन ईविल। तो ये कभी मत सोचना कि नहीं हम बिलीव नहीं करते, ये नहीं करते, भाई सब लोग करते हैं, भूत प्रेत ना सब लोग करते हैं, ठीक है। बस
हवेबाजी में बोल दें कि हम बिलीव नहीं करते, नहीं होता है ये वो, जिस दिन आपके सामने आ जाएगी ना, फटके चार होने वाली है आपकी। और बहुत लोगों का हुआ भी है, बहुत बड़े बड़े तुर्रम खान रहते हैं जो कहते हैं कि नहीं है, ये है, वो है, होता है भाई सबका। सो गेट टू द पॉइंट, वो लोग जाते हैं अनंतगिरी हिल्स, और अनंतगिरी हिल के पास जो जगह है, वो जगह का नाम एग्जैक्टली हम लोग ना, मतलब वो भी भूल गया था, मैं भी एग्जैक्टली नहीं आ रहा है मेरे को दिमाग में, लेकिन हाँ उस जगह पे एक जगह है, लाइक मान लो कि ये अनंतगिरी है और अनंतगिरी हिल्स के पास मतलब एक फॉरेस्ट टाइप का एरिया है जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं आज भी, थोड़ा ट्राइब्स टाइप के, वही वाला जगह है। तो ये स्वार्थ जो था इसका मैं नेचर बता देता हूँ, ये बहुत ही बड़ा फ्लटिस था, लाइक मतलब ये पता चल गया होगा आपको कि कितना बड़ा फ्लर्ट रहता है, वही रहता है ना कि मतलब जहाँ पे देखो फ्लर्ट करता रहता है। हाँ बट ऑल दो लड़कियों के लिए उसका नज़रिया बहुत ही अच्छा था, लेकिन हाँ वो फ्लर्टबाजी बहुत करता था, तो लाइक डेट पे चलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सम ऑफ दैट टाइम दैट काइंड ऑफ स्टफ्स, तो ये उस पर भारी पड़ गया और बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया। जब राकेश ये मुझे बोल रहा था, वन मतलब ये सब जब चल रहा था ना, मैं बोला कि भाई अभी वो जिंदा है या, बोला कि भाई वो तो जिंदा है, स्वार्थ जिंदा है, बट इंसान के कंडीशन में नहीं है वो, ही इज टोटली। आगे सुनिए कहानी। तो अनंतगिरी हिल्स में ये लोग प्लान करते हैं, गाड़ी वाड़ी बुक करते हैं, स्वार्थ के पापा थोड़े रिच काइंड ऑफ थे तो उनका एक गाड़ी बुक होता है, तो इनके पास लाइसेंस भी होता है, तो इन लोग बोलते हैं कि लाइसेंस वगैरह क्या, हम लोग तो अभी अभी बच्चे हैं तो इतना दूर ट्रैवल नहीं कर सकते, सो उन लोग ना एक ड्राइवर रख लेते हैं। तो जाते हैं वो लोग अनंतगिरी हिल्स पे, कैंप करते हैं और उनके ड्राइवर को बोल देते हैं कि भैया हम लोग ना 2-3 दिन यहाँ पे रहेंगे, आप लोग काइंड दूर अनंतगिरी के नीचे वाले सेक्शन पे, वहाँ पे होटल वगैरह था, वहाँ पे रह जाइए, जब हमारा ट्रेकिंग वगैरह ख़त्म हो जाएगा हम आपको बुला लेंगे। ट्रेक शुरू होता है, टेंट वेंट लगाते हैं, सब कुछ होते हैं, वो लोग जाके पहुँचते हैं तकरीबन जिस दिन वो लोग स्टार्ट किए थे, दोपहर को स्टार्ट किए थे, जाते जाते उनका 5 या 6 बज जाता है, तो वहाँ पे वो गार्ड भी रहता है, जो ड्राइवर है वो हेल्प करते हैं, तो उनके साथ एक रहता है कि कैसे टेंट वेंट लगाना चाहिए एंड ऑल, तो वो लोग परमिशन भी लेके आते हैं। और ये स्वार्थ का आइडिया पता है क्या था, वो बोलता है कि देखो ये वाला फॉरेस्ट सेक्शन है, यहाँ से ना 1-2 किलोमीटर दूर हम लोग, वन और हाफ किलोमीटर के डिस्टेंस में वो लोग ना अपना ट्रेकिंग कैंप लगाए थे, दे आर अराउंड 7 पीपल्स, तो लड़कियों का सेपरेट है, लड़कों का अलग है, तो ये लोग आराम से कर रहे हैं एंड वहाँ पे अच्छा खासा नेटवर्क भी आपको मिल जाता है। लेकिन ये आप सोच रहे हो कि जाओगे वहाँ पे और इजीली सब कुछ हो जाएगा, बट भाई मैं बोल रहा हूँ आप सबको, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है हम लोग वहाँ पे, मैंने भी वहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह की है, सो ये मत सोचना कि वहाँ पे ट्रैकिंग करना इतना इजी है या फिर वहाँ पे रात भर रह लोगे आप इजीली, ये नहीं सोचना आप। तो होता ये है कि वो लोग जाते हैं, रहते हैं, फर्स्ट डे सब ठीक ठाक, सेकेंड डे ठीक ठाक, तीसरा दिन सेकेंड डे रात को एक चीज़ होती है जो कि ये स्वास्थ्य के साथ ही होता है, तो उस वो कुछ अपने मोबाइल में कुछ दैट काइंड ऑफ वीडियोस देख रहा था, तो वहाँ पे एक उसको एक लड़की की पायल की आवाज़ आती है, राइट, तो वो उसको फॉलो अप करता है, तो उसको दिखता है कि एक जो लड़की है वो ट्राइबल जो ड्रेस रहता है ना उस ड्रेस पे है, एंड वो लड़की वहाँ पे कुछ मतलब लाइक जैसे फिल्मों में होता है ना कि भाई दिख गई फिर कहीं चली गई, तो ये उसको फॉलो अप कर रहा है, तो ये काइंड ऑफ हुआ। तो लेकिन जब इंटरेक्शन होने वाला था तो ये अपना उनका एक दोस्त है जो राकेश और स्वार्थ के साथ जो तीसरे टेंट में जो लड़के थे, दो लड़के थे उनमें से, मान लो उसका नाम है अनिमेश, ठीक है एक फिक्शनल नाम ले लेते हैं अनिमेश, तो अनिमेश आके कहता है कि भाई यार तू इतना लेट यहाँ पे इतने अंदर तक आ गया क्या कर रहा है, तो उसको लेके जाते हैं। बट पता है यहाँ पे क्या होता है, वो जो लड़की इसको दिखी, अपना स्वार्थ को जो लड़की दिखी, उसका कुछ ब्रेसलेट या फिर कुछ पायल वगैरह जो था वो वहाँ पे गिर गया था, एंड समहाउ ये उसको मिल गया और ये बंदा उसको उठा के ले आया। थर्ड डे उनका ट्रैक ख़त्म होने वाला है, मतलब थर्ड डे वो पूरा वहाँ पे रहेंगे, फोर्थ डे पे ही ये लोग
कॉल करेंगे और वो घर को निकलेंगे, ठीक है। सेकेंड डे रात को ये सब चीज़ हुआ, तो ये उठ के सबको बताता है कि अबे यार पता है यहाँ पे कल रात को एक लड़की दिखी है एंड ऑल, सो मैं उसको फॉलो अप किया और देख ये उसका पायल या फिर समथिंग जो वो छूट गया था वो ऐसा है। तो वो जो लड़कियाँ थी उनमें से एक लड़की बोलती है कि देखो ये जगह ठीक ठाक नहीं है, तो ऐसे अनजान चीज़ों को नहीं छूना चाहिए, पता नहीं किसका होगा क्या होगा, कुछ कराया होगा, तो वो काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल रहता है ना कुछ, तो छोटे छोटे स्पिरिचुअल्स लोग, तो वो बोलते हैं फेंक दो ये करो वो करो। तो उसको बहुत बोलने के बाद ये बोलते हैं चल ठीक है भाई क्या करेंगे, फेंक ही दे देंगे, वो फेंक देता है। थर्ड डे रात के ये लोग जल्दी अपना ट्रैकिंग वगैरह घूम घूम के फोटोशूट करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये सब कुछ करने के बाद जब मतलब लाइक अंधेरा आता, मतलब जो होता है ना इवनिंग टाइम, उससे पहले वो अपने कैंप पे आते हैं, कैंप फायर लगा लेते हैं, कैंप फायर लगा के सब अपना मस्त मजा कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना चीज़ें शेयर कर रहे हैं कि भाई देख हमारे लाइफ में ऐसा है वैसा है। तो सडनली अपना स्वार्थ को वही सेम लड़की दिखती है थोड़ी दूर में, ठीक है। और ऐसा होता है कि वो लड़की अब सबको दिखने लगी, लाइक वो ऐसा आती है तो फिर ये लोग पूछते हैं कि यार ये तुम कहाँ से हो, तो वो लड़की बोलती कि मैं ये पास वाले जो ट्राइब रहते हैं वहीं पे मैं रहती हूँ, तो कल रात को मैं यहाँ पे पानी भरने आ गई थी तो मेरा यहाँ पे वो जो चीज़ है वो गिर गया था, कहीं आपने देखा है क्या। तो ये बंदा क्या करता है स्वार्थ, सबको बोलता है कि मैंने फेंक दिया है, बट नो वो उस चीज़ को रखे रहता है। वो बोलते हैं क्या अब ये चीज़ तुम्हारी है, तो वो लड़की को अरे हाँ ये मेरी है, तो उसको दे देता है उसका। लेकिन यहाँ पे असली चीज़ ख़त्म नहीं होती, यहाँ पे असली चीज़ शुरू होती है। वो लड़की निकल गई, सब लोग बोलते कि अबे हाँ ये तो सही बोल रहा था, लड़की आई है पास वाले कबीले की है। अब पता क्या है, इनमें से जो राकेश जो बंदा है, इसका जो भाई है कज़न है, इसको कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि पहले ही ये लोग राकेश जो है ये जो फॉरेस्ट ऑफिसर से जो परमिशन लेके आया था, उन लोगों ने उन्होंने कहा था कि भाई ये एक नो पीपल जोन है, मतलब यहाँ पे सिर्फ ट्रैकिंग वगैरह होती है, मैं आपको परमिशन देता हूँ, और उन लोगों ने कुछ परमिशन लिया था स्पेसिफिकली, यहाँ पे इंसान आते रहते नहीं, ये उसके दिमाग में था, लेकिन इसको लगा कि हाँ कुछ है। तो और उस दिन पता नहीं सडनली क्या होता है, ये तीनों ये देखो तीन कैंप लगे हुए, तीन कैंप में एक कैंप में तीनों लड़कियाँ रह रही हैं, बाकी ये जो दो कैंप है दो दो लड़के वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, ये तीनों राकेश और बाकी के जो दो लड़के हैं अनिमेश और दूसरा वाला, ये लोग एक कैंप पे रह रहे हैं और यहाँ पे स्वार्थ अकेला है। अकेला इन द सेंस स्वार्थ बोलता है कि भाई देख मेरे को फीवर टाइप का लग रहा है तो मैं सो जाता हूँ। तो समहाउ रात के खाना पीना खाने के बाद 9-9:30 तक खाना पीना इनका हो जाता है और यहाँ पे सबको नींद आ जाती है सबको, एंड यहाँ पे शुरू होती है असली चीज़। आप सबको लग रहा हो कि वो लड़की निकल गई है, दैट गर्ल इज अ स्पिरिट, अ ट्रू ईवल स्पिरिट। वो कुछ आत्माएं ऐसी होती है ना कि वो आपके साथ, मतलब सीरीज में बता रहा हूँ, वो लड़की आती है और अनिमेश बोल रहा हूँ स्वार्थ के साथ इंटरेक्ट करती है एंड बोलती है कि मैं ऐसी यहाँ पे रहती हूँ ये वो फलाना ढिमकाना। तो कुछ बातों बातों में ना तो ये दोनों का एक मोमेंट आता है जहाँ पे स्वार्थ इस लड़की के साथ फिजिकली इंटीमेट हो जाता है और ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। पर इसको नहीं पता था कि इसके साथ क्या आने वाला है, क्या मतलब। तो ये जो लड़की है, जो चीज़ उसने उठाई थी, वो एक अ साइन ऑफ पोजिशन है। तो पोजिशन का भी 5 साइन होता है, जहाँ पे फर्स्ट साइन ये है कि आपको कुछ उस स्पिरिट की चीज़ें मिलता है या फिर आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको विस्परिंग कर रहा है, कोई देख रहा है एंड ऑल। सेकेंड चीज़ ऐसा है कि आपको हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड थिंग ये है कि वो जो स्पिरिट है आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी। फोर्थ स्टेज ये है कि वो आपको टच करेगी, दैट स्पिरिट विल टच यू, चाहे वो कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, आपको टच करना, आपको लिटरली आपकी बॉडी को टच करना स्टार्ट कर देगी। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेज ऑफ पोजिशन, द डायरेक्टली टेक कंट्रोल ऑन योर बॉडी। ये है फिफ्थ, ये जब 5 स्टेप्स हैं पोजिशन के जो आपको शायद याद रख लेना चाहिए। ये उसके साथ इंटीमेट होता है और इन लोगों को कुछ भी नहीं पता। सुबह होते होते इसको बुखार बहुत,
और ये बंदा पागलों की तरह उसको ढूंढ रहा है, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए। तो इसको बोलते भाई इसको क्या हो गया, ये बंदा सबको बोल देता है कि भाई रात में वो बंदी आई थी, हम लोग बात किए, बट ये नहीं बोलता है कि मैं उसके साथ इंटीमेट हुआ हूँ, ये आई थी बात की, शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल, भाई पता नहीं क्या हो गया उसको। फिर ये लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई चल हम लोग बाद में देख लेंगे। तो वो लोग कॉल करते हैं, इसको बुखार है, पहले इसको हॉस्पिटल मतलब जो रहता है क्लिनिक या हॉस्पिटल वहाँ पर चले, बोलते कि हाँ नॉर्मल फीवर है, आप लोग ट्रैकिंग पे गए होंगे, वहाँ का पानी वानी पिया होगा एंड ऑल। तो ये लोग इसको लेके घर जाते हैं, ठीक है। अब पता है क्या चीज़ होती है, घर में जब आता है ये, पहले तो ये अपने घर के चौखट जो है वो पार नहीं करता, क्योंकि इसकी मदर एक बहुत ही स्पिरिचुअल लेडी है, ठीक है, जो इतना स्पिरिचुअल है कि घर में ये घुस नहीं पाता, क्योंकि इसके साथ साथ वो एंटिटी भी आ गई थी इसके पास। तो समहाउ ये लोग उसको अंदर, होता है ना कि भाई इतना दूर से आया है तो थोड़ा गंगा जल या फिर जो हल्दी वाला पानी है, साउथ साइड में ऐसा होता है, मैं वहाँ पे रह के आया हूँ तो साउथ साइड में ऐसा होता है, अगर आप लॉन्ग ट्रिप से आते हैं तो आपके साथ लाइक आपको नज़र उतारते हैं, देन आप घर में एंटर करते हो, वो होता है, तो वो फ्रीली आता है, फिर कॉलेज वगैरह स्टार्ट होता है। लेकिन उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, खास करके राकेश जो होता है, इसको देखता है कि भाई ये ना दिन ब दिन उसका वीकनेस आ गया है, इसका फिजिकल अपीयरेंस भी कम हो गया है, क्योंकि ये वो करता था जिम वगैरह करता था, 18-19 ईयर्स में जिम वगैरह करता था और थोड़ा स्पोर्टी पर्सन भी था। तो देखता है कि भाई ये ना धीरे धीरे इसका मतलब क्या हो गया, रात को सोते नहीं जो ब्लैक हेड्स आ गए हैं, फिर डार्क सर्कल्स आ गए हैं, और इसके मतलब लाइक ये पूरा वीक टाइप का होने लगा है। ऐसा एक हफ्ते तक चलता है, एक हफ्ते दो हफ्ते तक चलता है, फिर भाई ये पूरा बंदा ना सूख जाता है, एकदम इतना सूख जाता है कि भाई पता नहीं क्या होता है। फिर ये ना एक दिन क्लास में क्या करता है, सब लोग ये सात लोग इनका एक ना एक उसी दिन ही ग्रुप बन गया था, और ये सभी सात लोग ना एक ही जगह पे कॉलेज के एडमिशन लिए हुए हैं, ठीक है। तो होता क्या है, ये लोग ऐसा एक दिन खा रहे थे लंच पीरियड में, एंड सडनली इसको खांसी होती है, और वो खांसता है तो इसमें ब्लड आता है, तो ये बात राकेश को पता चल जाता है। तो फिर उस दिन वो लोग उसी कैंपस में जो घूमते रहते हैं, तो ये लोग बात किए कि भाई देख, लड़के ये लोग ही बात किए, भाई देख कुछ हुआ है क्या, मतलब लाइक तेरे को कोई डिजीज़ वगैरह हो गया है, घर वालों के लिए बता रहा है। तो ये बंदा ना अब भी सच बोलना शुरू कर देता है कि देख भाई ऐसा है कि जिस दिन हम लोग कैंप के कर रहे थे, थर्ड डे पे वो लड़की आई थी, बातचीत हुई, एंड समहाउ वी गॉट इंटीमेटेड। तो बोलता है कि भाई वो लड़की कौन है, क्या है अम्मा, फिर बोलते हैं कि अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि भाई वो लड़की, हम लोग गए थे सात लोग, लेकिन वापस आने के टाइम पे आठ लोग आए हैं, वो लड़की हमारे साथ पीछे ही बैठ के आई है। तो यहाँ पे उन तीनों की फटके चार कि भाई क्या माजरा क्या है, तू पागल हमको बेवकूफ़ बना रहा है, तेरा भाई कोई डिजीज़ वगैरह हो गया, बिकॉज ऑफ दैट वी आर मतलब हम लोगों को पागल बना रहा है। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं डेली उसके साथ इंटीमेट होता हूँ, डेली, इसका एक सेपरेट रूम रहता है घर में, तो ये डेली उसके साथ इंटीमेट होता है, एंड डेली वो आती है मेरे साथ इंटीमेट होती है, एंड इसको ना भाई जन्नत दिख गया था पूरा। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं हंस के बोल रहा हूँ, बट इट्स वेरी सीरियस, इस बंदे को ना जन्नत दिख गया था। फिर ये राकेश क्या करता है, मतलब इसकी मौसियाँ कुछ चाची वगैरह होगी, तो ये जाके बोल देता है कि ऐसा ऐसा है, तो इसको सीधा लेके वहाँ पे जो एक रहता है मंदिर, वहाँ पे पुजारी रहते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं थोड़ा इनको, मतलब अनंतगिरी जहाँ पे उनका सो हुआ था, लाइक सॉरी एक जगह लेके जाते हैं वहाँ से थोड़ा दूर, जगह का नाम भी मैं अभी हैदराबाद छोड़ा हुआ 8-9 साल हो गया, तो वो जगह का नाम भूल गया पूरा, वो चंदानगर के आगे क्या है, हफीज़ फेड है आई थिंक, उसी साइड गए थे। तो वहाँ पे वो लोग जो साधक वगैरह रहते हैं, वो लोगों ने देखा, फिर बोले कि इधर कुछ नहीं हो सकता, आप लोग एक काम करो, जहाँ पे सब कुछ शुरू हुआ है ना वहाँ पे चलो, हम लोग ये करते हैं। तो अब ये साला इनको क्या पता है कि अब वहाँ पे कैसे जाएंगे, वो निकलते हैं। निकलने के बाद वहाँ पे पहले सिक्योरिटी गार्ड को पूछते हैं कि यहाँ पे आसपास कोई कबीला वेला रहता है क्या। तो अब जो चीज़ शुरू होती है ना भाई, दिमाग फटके चार, नीचे पूछते हैं कि कोई ट्राइब वगैरह, तो बोलते हैं हमको नहीं पता। ऊपर जाने के बाद जो रहते हैं, जो पुराने फॉरेस्ट गार्ड के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स रहते हैं, जो रिटायर होने वाले रहते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ से तकरीबन 15-16 साल पहले एक ट्राइब बसता था, और मतलब एक छोटा सा गांव, गांव भी नहीं बोल सकते, कुछ
15-20 लोगों का एक इलाका रहता था यहाँ पे, तो वो लोग यहाँ पे ही रहते थे, खाते थे, फिर सर्वाइव करते थे फॉरेस्ट चीज़ों को, वो कंज्यूम करके लोगों को कुछ ये मतलब लाइक ज्ञान देते थे कि ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है। तो एक दिन सडनली क्या होता है, सब लोग तो नहीं, उनमें से कुछ 5-6 लोग ना मर जाते हैं। उनमें से एक लड़की ये है और ये पूरा डिस्क्राइब करता है कि ऐसा ऐसा है, वैसा है, उसका नाम ये है। तो उसका जो दादा है, मतलब वो उस लड़की का जो दादाजी है, उसको ढूंढते हैं कि वो लोग जाते हैं एक जगह। तो वो लोग जो जो बच गए थे ना लोग, वो अनंतगिरी के जो नीचे वाले सेक्शन है, वहाँ पे गांव है, वहाँ पे जाके वो लोग रहना शुरू करते हैं। तो जो ढूंढ ढूंढ के आते हैं कि भाई ऐसा है वैसा है, तो फिर उसके दादाजी आते हैं, दादा या फिर दादी माँ आती है, सब बोलते हैं कि लड़की ऐसे मर गई थी, एंड स्टिल वो लड़की आज भी वहीं पे घूमती है। भाई मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो ये लोग बोलते हैं कैसे ठीक होगा, क्या होगा। तो वहाँ के बहुत बड़े बड़े मतलब वो लोग 3-4 पंडितों को बुलाते हैं, फिर हवन वगैरह सब कुछ करवाते हैं। थोड़ी टाइम के लिए, 1-2 साल के लिए सब ठीक हो जाता है, सबको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, उसको ताबीज़ वगैरह देते हैं। वो ताबीज़ भी बहुत बार गिर गई थी, लाइक कलाई पे डालते हैं, गिर जाता है कहीं पे, जितनी बार ये ताबीज़ लगाता है ये लड़का, उतनी बार वो ताबीज़ उतारती है कैसे भी करके, मतलब लाइक इसको लेके जाऊंगी। तो अब क्या होता है, ऐसे होते होते 3-4 साल, 5 साल, 6 साल निकल जाता है, ठीक है। 4 साल 2021 में एक हुआ था। अब इसको ये तो वैसे भी उसका मतलब लाइक पर्सनैलिटी पूरा डाउन हो गया है, और ऐसा है कि अब इसका जो फिगर था ना, बॉडी वाला फिगर और एकदम कड़क वाला, वो भी नहीं रहा। एंड अभी वो नॉर्मल हेल्थ में ही है। अब ये हुआ, उसकी अभी एक रिसेंटली गर्लफ्रेंड भी है, ठीक है, मतलब मैं किसकी बात, स्वार्थ की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा है कि वो जो लड़की है उसका, वो अच्छा खासा चल रहा है। लेकिन एक दिन सडनली क्या हुआ, वो लड़की इसके, ये दोनों लिविन में रह रहे थे, सो रहे। तो वो जहाँ पे रह रहा है हैदराबाद पे, अभी रिसेंटली जहाँ पे रह रहे हैं, वो ECL छोड़ चुके हैं। तो वो जहाँ पे रह रहे हैं, तो इस लड़की को वो लड़की दिखती है और वो बोलती है कि तू अगर इसके लाइफ से नहीं जाएगी तो तुझे मार के तेरा मांस इसको ही खिलाऊंगी, सोच रहे हो। और आज भी स्वार्थ इन सब चीज़ों से हॉन्ट हो रहा है, लिटरली। वो जो स्पिरिट सबको लग रहा था कि निकल गई है, निकल गई है, निकल गई है, नहीं गई है। फिर हुआ ये 2022 में, इस लड़की जाने के बाद इसको कहीं ना कहीं डर रहता है, तो इसने थोड़ा सा उससे ब्रेक डाउन कर लिया था। लेकिन कहता है ना कि जो सच्चा प्यार होता है वो आपको प्रोटेक्ट करता ही करता है। तो ये जो लड़की है ये साउथ की नहीं है, ये थोड़ा मतलब राजस्थान या फिर नॉर्थ साइड की है। तो वहाँ से उसने कुछ पंडित को बोला, ये बोला कि चल राजस्थान घूमने चलते हैं एंड ऑल। तो वहाँ जाने के बाद ये दिखाते हैं, तो वहाँ पे जो पंडित है, एक कीलक रहता है, ठीक है। वो कीलक क्या है, वो स्वार्थ के बॉडी पे ही कीलक कर देते हैं कि मैं तुमको इतना सेक्शन में बांध रहा हूँ, बंधन कर रहा हूँ, तो वो आपको नहीं आ पाएगी। एंड ऑल दो स्वार्थ जो है वो लड़की को देख रहा है, एंड वो जो डायन चुड़ैल जो भी है उस लड़की को लिटरली देख पा रहा है, आज भी देख पा रहा है। लेकिन हाँ, उस चीज़ के लिए, उसकी गर्लफ्रेंड की वजह से वो अभी सेफ है, समहाउ सेफ है। और उसको कुछ रेस्ट्रिक्शंस है कि देख ऐसा ऐसा नहीं करना है, नॉनवेज नहीं खाना है, बियर वियर नहीं पीना है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो ऐसी जगह पे नहीं जाना है। तो थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है। एंड बिकॉज ऑफ दैट, एंड बिकॉज ऑफ अ गुड पार्टनर, उसका जान अभी तक बच के है। नहीं तो भाई वो बंदा ना कब का जा चुका होता, वो जो चीज़ है वो लेके निकल गई होती। लेकिन हाँ, स्टिल दैट स्पिरिट वो आज भी उसको हॉन्ट करती है, और बहुत बराबर वाला हॉन्ट करती है। मैं आप सबको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसी कोई जगह पे जाते हो, लाइक ट्रिप हो गया, ट्रेकिंग हो गया, अननोन चीज़ों, जो आपको माइंड में एक वाइब होता है ना, इंस्टिंग होता है ना कि भाई इसको नहीं छूना है, इसको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो भाई कृपया करके दूर रहो इन सब चीज़ों से। क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना भाई, ये बहुत खतरनाक होती है। एक बार आपको पीछा पकड़ लेते तो ज़िंदगी भर नहीं छोड़ सकते। कुछ चीज़ें, कुछ लोगों की किस्मत इतनी अच्छी होती है कि भाई वो बच जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की किस्मत इतनी बुरी होती है कि वो या तो ऑन द स्पॉट मरेंगे, या फिर लाइक सूख सूख के वो चीज़ उसके साथ अपने साथ लेके ही निकल जाएगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा ईविल होती है, और उनका बाय नेचर ही होता है, डेथ के बाद उनका बाय नेचर ऐसा होता है कि भाई मैं सबको मारूंगा या मारूंगी।
सो काइंडली टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स एंड टू ऑल दोज हु आर वॉचिंग माई वीडियोज, अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं घूमने, अननोन चीज़ों को छेड़खानी मत करो। कोई भी अगर पड़ा हो, कितना भी खूबसूरत, और एक चीज़ बता देता हूँ, जो चीज़ जितनी खूबसूरत दिखती है ना, वो उतनी खतरनाक श्राप लेके वहीं पे पड़ी होती है। तो काइंडली सब चीज़ों से दूर रहो, ताकि आप सेफ रहो, आपके घर वाले सेफ रहो, और आपका लाइफ सेफ रहे। सो दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। आप सब मेरे लिए बने हैं, मैं आपके लिए बनाऊँ, मैं ऐसे ही आपके लिए रियल स्टोरीज लेके आता रहूँगा। न्यू वीडियोस भी डाला है मैंने कुछ, तो उसको बाय डालता रहूँगा। सो लव यू गाइज़।